नमस्कार दोस्तों, हिम टुडे में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको HPSSC द्वारा जो HRTC कंडक्टर की भर्ती की जा रही है उसका एग्ज़ाम पैटर्न, टॉपिक वाइज सिलेबस और एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है अगर आप HRTC कंडक्टर का एग्ज़ाम देने वाले हो। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर ही मिलेगी। तो दोस्तों, बात करेंगे HRTC कंडक्टर भर्ती की। सबसे पहले, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। आप बहुत सारे चैनल पे देखते होंगे जैसे कि कुछ लोग क्वेश्चन अपलोड करते हैं, 10 क्वेश्चन में से बोलते हैं कि 5 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा वैसी वीडियो अवॉइड करें अभी, अगर आप सीरियस स्टडी करना चाहते हो तो, अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तो सिलेबस जो है उसको पढ़िए, किताबों से पढ़िए और कहीं से भी पढ़िए जहाँ से मटेरियल मिलता है। तो दोस्तों, बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। पहले HRTC वाले कंडक्ट कराते थे तो उसमें धांधली हुई, तो HPSSC कंडक्ट करवा रहा है। तो सबसे पहले जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो होगा मल्टीपल चॉइस का, यानी कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और 85 मार्क्स रहेंगे उसके। और इवेल्यूशन, उसको DV भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके 15 मार्क्स रखे जाते हैं। तो कुल मिला के 100 नंबर की मेरिट से आपके जितने मार्क्स आते हैं तो मेरिट बेस पे सिलेक्शन की जाएगी। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 170 क्वेश्चन दोस्तों, 170 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जो टोटल नंबर रहेंगे उसको आप डिवाइड कर दो 2 से तो 85 मार्क्स बनेंगे। और इसी हिसाब से जो एक क्वेश्चन है वो आधे नंबर का बनेगा, तो 170 क्वेश्चन होंगे और आधे नंबर का 1 मार्क्स होगा, तो कुल मिला के 85 मार्क्स बन जाएंगे आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में। इसके बाद रिटन टेस्ट का जो सिलेबस रहेगा उसकी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूंगा। ओल्ड सिलेबस में सिर्फ 85 क्वेश्चन पूछे जाते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब जो न्यू सिलेबस है वो है HPSSC हमीरपुर द्वारा, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए सेम है, यानी कि 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सिलेबस क्या है ये यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश है, हिंदी है, जनरल नॉलेज है, एवरीडे साइंस है, सोशल साइंस है, करंट अफेयर एंड लॉजिक है, और इसमें हिमाचल की GK के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। जो डिटेल सिलेबस है जो जनरल इंग्लिश का, वो 12th लेवल का आएगा, यानी कि कंडक्टर भर्ती 12th लेवल पे होने वाली है। 12वीं पास होना ज़रूरी है इसके लिए। तो जो इंग्लिश में दोस्तों क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे टेंस के, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, सिनोनिम्स, वॉइस, आर्टिकल और स्पेलिंग चेक और फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। तो जो ये पोर्शन आता है इंग्लिश का, ये मैक्सिमम ग्रामर का आता है दोस्तों। आपको ग्रामर पढ़ना है और ये टॉपिक जो हमने बताए हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे इंग्लिश ग्रामर को तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे इंग्लिश सेक्शन में, जो कि जनरल इंग्लिश सेक्शन होता है, HPSSC द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं HPSSC के, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो सिलेबस होता है वो सभी में सेम है बहुत सारी पोस्टों के लिए। तो उनमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर में। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद बात करेंगे जनरल हिंदी की। जो हिंदी है वो 10वीं क्लास के लेवल की आएगी और इसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे। सबसे पहले जो व्याकरण है, व्याकरण से ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल विश्लेषण, संधि विच्छेद, कारक समास, मुहावरे, और उसके साथ साथ दोस्तों कवियों के नाम, जैसे कि किस कवि की क्या रचना है, वहाँ से भी क्वेश्चन हिंदी सेक्शन में बहुत सारे देखे गए हैं। तो इसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लें HPSSC का, और वहाँ से आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अदर टॉपिक की। अदर टॉपिक का जो सिलेबस है, जो जनरल नॉलेज है, वो हिमाचल की जनरल नॉलेज से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये। इसका कोई भी टॉपिक हम नहीं बता सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, कुछ भी है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, सर्विसेज है, इनमें से कहीं से भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कहीं से भी ये टॉपिक पूछते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है कि HPSSC किस पे फोकस करता है, वो कभी किसी क्वेश्चन में कहीं से टॉपिक डालते हैं और दूसरे में कहीं और से। तो और एवरीडे साइंस दोस्तों, एवरीडे साइंस में जो क्वेश्चन आते हैं
वो आपके 9th और 10th की जो साइंस की बुक्स होती है एनसीईआरटी की, आप अगर उनको पढ़ोगे तो उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, एनसीईआरटी की साइंस की बुक पढ़ सकते हो आप हिंदी में, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आप बहुत जल्द उसको कंप्लीट कर लोगे। अभी काफ़ी टाइम होगा एचआरटीसी कंडक्टर का एग्ज़ाम में, और सोशल साइंस के क्वेश्चन भी आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। और दोस्त जो करंट अफेयर और लॉजिक है, लॉजिक और जो एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन आते हैं मैथ के, वो तो बहुत सिंपल होते हैं, और मैक्सिमम लोग जो प्रेपरेशन कर रहे हैं वो इसको आराम से कर लेंगे। और जो करंट अफेयर के टॉपिक है, अब करंट अफेयर के लिए आपको दो सेक्शन है इसमें, एक हिमाचल का सेक्शन है और दूसरा है नेशनल लेवल का। तो हिमाचल के सेक्शन के लिए आप हिमाचल की गवर्नमेंट वेबसाइट है उससे पूरी जानकारी ले सकते हो। जैसे कि इनका कोई बजट होता है, क्वेश्चन आते हैं जैसे कि इनके बजट में कौन कौन से कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगेंगे, तो वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जहाँ की जैसा कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखा है। तो दोस्तों, और जो नेशनल करंट अफेयर है, इसके लिए आप कोई भी मैगजीन उठा सकते हो, जैसे कि जो भी आती है इसमें। तो दोस्तों, ये पूरा सिलेबस है एचआरटीसी कंडक्टर का। और जो इसमें एचपी के लिए हिम प्रतियोगिता संसार करके एक मैगजीन आती है, वहाँ से एचपी का जो करंट अफेयर वगैरह उसमें होते हैं। और जो नेशनल लेवल पे प्रतियोगिता दर्पण रेफर कर सकते हो आप। और जो एवरीडे साइंस के लिए अगर कोई बुक लेना चाहते हो, तो अरिहंत पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है, एरर प्रोन बुक है, उसमें कुछ भी एरर, बहुत कम एरर है। अगर बाकी आप लोकल ऑथर की बुक उठाएंगे तो उसमें एरर होती है, और आप क्वेश्चन पढ़ के जाते हो फिर भी गलत करते हो। तो दोस्तों, ये सारे टॉपिक थे एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती के लिए। अब हम क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर हम इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि ये एचआरटीसी द्वारा पहले कंडक्ट किया है, अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, यानी कि यहाँ से कुछ भी नहीं आने वाला है। ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए है कि प्रीवियस ईयर में जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसके लिए कैसा क्वेश्चन पेपर था। तो दोस्तों, इसको आपको, आपका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। लेकिन हमें जो लगता है, इसमें पढ़ने का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इन्होंने पहले पूछे थे। तो इन्होंने पूछा था परिवहन मंत्री कौन है, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, ये पुराना क्वेश्चन है। तो जीएस बाली इसमें परिवहन मंत्री थे उस टाइम के, उस टाइम वो एचआरटीसी में घोटाला भी हुआ था, कुछ स्कैम हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, एचआरटीसी का हिंदी में पूरा नाम बताएं, तो ये तो फर्स्ट क्लास का जो बच्चा होता है वो भी बता सकता है, हिमाचल पथ परिवहन निगम इसका नाम है। तो इस तरह से क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। और यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं। अब दोस्तों, हिंदी में जैसा कि हमने बताया कि कवियों से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि किस कवि की क्या रचना है, वो आपको जरूर पढ़ना है। जैसा कि इन्होंने लिखा है, नेताजी का चश्मा कहानी किस लेखक की रचना है। तो इनमें चार ऑप्शन है, इसका एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं पता कौन सा है, लेकिन इस तरह से आप क्वेश्चन आते हैं यहाँ। और जैसा कि हमने हिंदी में आपको बताया, वर्णों के समूह को क्या करते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो ऐसे हिंदी में क्वेश्चन आएंगे, और मुहावरे आएंगे जैसे ठीकरा फोड़ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको एचपीएसएससी द्वारा जो एचआरटीसी कंडक्टर की भर्ती होगी उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो ये टोटल 85 क्वेश्चन थे। और यहाँ पे मैं कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 245 है, उनका संबंध 15 है, तब उनका योग क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप चुटकियों में कर सकते हो जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, लेकिन प्रेपरेशन आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे टाइम वर्क का क्वेश्चन है, एक काम को 6 दिन में करती है एक महिला, तो 3 महिलाएं मिलके कितने काम में कर कितने दिनों में करेगी। तो बहुत ही मतलब जो 8th क्लास होती है इसमें ये ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो अगर आप दोस्तों सीरियस हो तो आप अभी से स्टडी कर लो, तो एक सीट आपको चाहिए और वो आराम से मिल जाएगी अगर आप इतने दिनों में स्टडी करोगे तो। और इंग्लिश में जैसा कि हमने बताया, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, द बेगर वॉज आस्किंग डैश ब्रेड, द बेगर वॉज आस्किंग फॉर ब्रेड। दोस्तों, इस तरह से ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको ग्रामर से देखने को मिलेंगे, इसमें टेंस रहेगा, वर्ब रहेगा, नाउन प्रोनाउन भी रहेगा, और इसमें आपको सिंपल रूल देखने हैं। सिंपल रूल एक बार पढ़ोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन इजली कर पाओगे दोस्तों। और इसमें
ये पुराना क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो सिलेबस है वो अलग था। यहाँ पे यातायात के संकेत भी इन्होंने बताए कि ये संकेत किस लिए है, ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, SPSSC क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा जैसा कि उन्होंने सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया है। तो कुल मिला के 85 क्वेश्चन आते थे पहले जो भर्ती हुई थी HRTC कंडक्टर की, अब पैटर्न है 170 क्वेश्चन का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगर आपके पास कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, मोर इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो, तो भी आप हमें रिप्लाई कर सकते हो कमेंट बॉक्स में।